सेवा मंदिर 16 नवंबर 2020 को भक्तों कदम के लिए खुला किया है। कोविड-19 की पार्श्वभूमि ध्यान में रखते हुए सब इंतजाम करके हमने अभी तक दर्शन की अच्छी सी सुविधा देने का संस्थान ने प्रयास किया है। अभी तक 3,32,32,000 लोगों ने दर्शन लिया है। सबसे महत्वपूर्ण अहम बात यह है कि इसमें कोई भी भक्तों को क्रॉस चेक करने के बाद कोविड-19 का इन्फेस्टेशन नहीं हुआ है। हमारे स्टाफ को भी कोविड-19 का इन्फेस्टेशन नहीं हुआ है। पिछले महीने का अनुभव ध्यान में रहते हुए जब छुट्टी के दिन में लोग आते हैं तो उनका आंकड़ों का हमने अभ्यास किया है। इसमें ये ध्यान में आ गया है गुरुवार वीकेंड के दिन, उत्सव के दिन और सार्वजनिक छुट्टी के दिन में लगभग 15,000, 20,000 और 25,000 तक पब्लिक श्रेणी में आई हुई है। लेकिन संस्थान ने भक्तगणों के लिए दर्शन की व्यवस्था सिर्फ 12,000 लोगों तक सीमित रहती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 तक अगर लोग भक्तगणों का अच्छा सहयोग मिलता है तो हो सकती है। इसके सिवाय अगर ज़्यादा भक्तगण आते हैं तो श्रेणी में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और अनप्रेसिडेंटेड भीड़ की वजह से कोविड के नॉर्म्स विशेष होंगे और दर्शन की बारी बंद करने का भी कारण बन सकता है। इसलिए संस्थान ने ये आह्वान किया है कि ऑनलाइन हमारा सशुल्क पास और मुफ्त पास मिल सकता है। सशुल्क पास के लिए हमारी वेबसाइट onlinesai.org.in पर जाए। वो सशुल्क पास के लिए दर्शन से पहले 5 दिन खुली हो सकती है और फ्री पास के लिए दर्शन से पहले 2 दिन पहले खुली हो सकती है। मैं भारत के सभी भक्तगणों को आह्वान करता हूँ कि आप शिरडी में आने से पहले अपना सशुल्क या मुफ्त पास बुक करने से पहले न आए। अगर वो आएंगे तो उनकी दर्शन की असुविधा हो सकती है। कोविड-19 की पार्श्वभूमि पर अगर यहाँ भीड़ होगी तो उनको भी सुविधा होगी। शासन के और कोविड के नॉर्म्स विशेष होने से सबको तकलीफ होगी और इसकी वजह से मंदिर बंद करने की नौबत न आए। इसलिए मैं सभी भक्तगणों को संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कामराज बजाटे आह्वान करता हूँ कि सभी भक्तों ने शिरडी में आने से पहले अपने दर्शन का तारीख और समय तय करके ही आना जरूर है। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ शिरडी में पालखी प्रोसेशन भी बहुत आते हैं तो पालखी प्रोसेशन को हम पहले से ही मना करते हैं, फिर भी कई पालकियाँ आती है तो उनको भी मैं आह्वान करता हूँ वो भी पालखी न लाए ताकि हमारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था पे ज़्यादा ताम या ज़्यादा प्रेशर ना आए। मैं चाहता हूँ कि सबको अच्छे से अच्छे दर्शन मिले। नाताल के दिन का ध्यान में रखते हुए 25, 26, 27 दत्त जयंती 29-30 के दरमियान है, 31 है, ये दरमियान भक्तों को मैं आह्वान करता हूँ कि अगर उनको आना है तो बुकिंग करके ही आना होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ हमारी जो कैपेसिटी है 12,000 उसमें से लगभग 70% कैपेसिटी ये फ्री पास के लिए ही ऑनलाइन की है। अगर उसमें से कोई 5 बचते हैं तो हमारे जो दर्शन पास के काउंटर है वहाँ खुली की जाएगी। दर्शन पास की अगर संख्या खत्म होती है, दर्शन पास खत्म होते हैं तो उसी टाइम सभी दर्शन काउंटर पास की वितरण व्यवस्था बंद की जाएगी। इसकी सभी भक्तों ने नोट करना चाहिए और अपना दर्शन का जो कार्यक्रम है वो तय करना चाहिए। इसके साथ मैं सभी भक्तों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए धन्यवाद करता हूँ। ओम साईं राम।